मौसम से जुड़ी जानकारी और लाइव मौसम खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर हर अपडेट पर रखें नजर। नमस्ते दोस्तों, स्काईमेट वेदर में आपका स्वागत है। मेरा नाम महेश परावत है। अब हम सोच रहे हैं कि मौसम अलग अलग रंग दिखा रहा है, कभी तापमान बढ़ रहे हैं, कभी नीचे गिर रहे हैं। पिछले दो दिनों से आप देख रहे हैं कि जो मैक्सिमम टेम्परेचर है, मिनिमम टेम्परेचर है, उनमें काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी देखने को मिली है। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। और जो दिल्ली में भी जो टेम्परेचर है वो कल हमने देखा कि 29.4 डिग्री का मैक्सिमम टेम्परेचर था, जो इस जनवरी और फरवरी में सबसे ज़्यादा था। और इसका कारण ये था कि जो हवाएं हैं वो आपने देखा होगा कि पिछले मैप में मैंने दिखाया था कि इस तरह से चल रही थी, यानी कि यहाँ पर एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ था और हवाएं जो थी वो इस तरह से काफ़ी तेज़ी से ये समुद्र की तरफ से आ रही थी, अरब सागर से आ रही थी, बलूचिस्तान से आ रही थी, सेंट्रल पाकिस्तान से आ रही थी। तो ये हवाएं गर्मी लिए हुए थी और इनकी रफ्तार बहुत ज़्यादा है, आज भी रफ्तार बहुत ज़्यादा थी। अब ये जो हवाएं हैं इसके कारण ये तापमान बढ़ रहे हैं और आज भी जो टेम्परेचर है अबव नॉर्मल बने रहेंगे। और ये जो मैप मैंने बनाया है, ये जो डायरेक्शन बनाया है काले रंग से, ये कल का वो है, यानी कि कल हवाओं की दिशा में इस तरह से परिवर्तन होगा। तो पिछले वीडियो में हमने देखा था कि इस तरह से हवाएं आ रही हैं, यहाँ पर साइक्लोनिक सर्कुलेशन है, यहाँ पर घूम रही हैं, इधर पे एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस मूव कर रहा है, यानी कि दूर जा रहा है। और जहाँ पर, क्योंकि जब ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस हट जाता है तो क्या होता है, जब तक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस होता है तब तक तो हवाएं इस तरह से घूमती रहती हैं, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज घूमती हैं, चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र बनाती हैं और हवा ऊपर उठती है, लो प्रेशर एरिया क्रिएट होता है। जब लो प्रेशर एरिया होता है तो उसको भरने के लिए, यानी कि जब वहाँ वैक्यूम जैसा बन जाता है, हवाएं ऊपर उठ जाती हैं, तो उस जगह को भरने के लिए ये तेज़ी से हवाएं आ रही हैं, काफ़ी तेज़ी से हवाएं आ रही हैं। तो इसीलिए 30-40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ये जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, सिरोही, पाली, नागौर, ये सारे इलाके ये इस तरह की हवाएं देख पा रहे हैं। और ये जो उत्तरी गुजरात है वहाँ पर भी तेज़ हवाएं हैं। अब धीरे धीरे पूर्वी ये राजस्थान, माफ कीजिए, पूर्वी राजस्थान में भी हवाओं की गति बढ़ने वाली है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा देर तक नहीं रहेगी। उसके बाद कल से इस तरह से ये हवाएं उत्तर दिशा से आने लग जाएंगी और ये जो गर्मी लेकर के आ रही थी ये उसको गिराने लगेंगी, तापमान को गिराने लगेंगी। यानी श्रीगंगानगर से लेकर के हनुमानगढ़, चुरू, बीकानेर, झुंझुनू, सीकर, अलवर, भरतपुर, ये सारे इलाके अब तापमान में गिरावट देखेंगे। और उसी तरह सवाई माधोपुर, कोटा, बूंदी, बारन, भीलवाड़ा, झालावाड़, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, राजसमंद, जयपुर, अजमेर, इन सारे इलाकों में भी 2 से 3 डिग्री की गिरावट 2 दिनों के अंदर दिखाई देगी और उसके बाद 3 से 4 डिग्री तक की गिरावट हो जाएगी। लेकिन इतनी गिरावट, जैसे कि कई मित्र कयास लगा रहे थे कि शायद तापमान इतना नीचे आ जाए, पर क्योंकि अभी नॉर्मल टेम्परेचर भी बढ़ने लगे हैं तो बहुत ज़्यादा कड़ाके की सर्दी नहीं आएगी, सुबह शाम की सर्दी हो जाएगी, लेकिन जो पाला पड़ता है उस तरह की संभावना नहीं है, फसलों को नुकसान होने की संभावना है। लेकिन ये जो तेज़ हवाएं चल रही हैं इसके कारण हो सकता है फसलों को नुकसान हो जाए, लेकिन वैसे कोई भी नुकसान नहीं है। और आगे मार्च के महीने में जो सामान्य से ज़्यादा गर्मी पड़ने की संभावना दिखाई दे रही है उसके कारण हो सकता है कि जो फसलों में दाने हैं उसमें कुछ नुकसान हो जाए। लेकिन कई भाई बता रहे हैं कि जो हम फरवरी के आखिर में ही फसल को काट लेंगे, अगर वो उस समय अगर फसल पक जाती है, कट जाती है तो ठीक है, लेकिन जो मार्च और अप्रैल में काटते हैं उनके लिए दिक्कत का सामना हो सकता है कि जो तापमान बढ़ने से कुछ दिक्कत आए। लेकिन अभी देखते हैं, अगर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक के बाद एक आते रहते हैं, अभी फिलहाल 6-7 दिन के लिए कोई बड़ा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस नहीं है, अगर बीच में आते रहते हैं, फरवरी के 3रे-4थे सप्ताह में भी आते हैं, तो ये तापमान को रोक के रखेंगे और बहुत अच्छी बात रहेगी कि ये गर्मी ज़्यादा नहीं बढ़ पाएगी। उसी तरह से पंजाब में अगर हम बात करते हैं, अमृतसर, लुधियाना, पटियाला और जलंधर, मोगा और ये जितने भी इलाके हैं ये सब इलाकों में भी तापमान गिरेंगे। और वो जो चंडीगढ़, अंबाला, कुरुक्षेत्र, करनाल, जिंद, रोहतक, हिसार, फतेहाबाद, ये जो हरियाणा के जिले हैं, इन इलाकों में भी तापमान गिरने की संभावना है। दिल्ली में भी कल से टेम्परेचर थोड़े से गिरना शुरू हो जाएंगे, परसों से और ज़्यादा गिरेंगे, क्योंकि उत्तरी हवाएं जो हैं वो लगातार चलती रहेंगी और एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन जैसा बन गया है ये दिल्ली के आसपास कल बनेगा। लेकिन कोई खास इसमें एक्टिविटी नहीं होगी कि हवाएं बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं उठेगी, ऊपर से तेज़ी से हवाएं आएंगी तो इस साइक्लोनिक सर्कुलेशन को दबा के रखेगी, कोई खास वेदर एक्टिविटी यहाँ पर दिखाई नहीं देगी, हल्के फुल्के बादल ही छा सकते हैं। उसी तरह से यहाँ पर जैसे कि बिजनौर है, मेरठ, सहारनपुर है, मुजफ्फरनगर है, यहाँ से लेकर के प्रयागराज, वाराणसी, गोरखपुर, भदोही, चित्रकूट, जितने भी इलाके हैं ये सब इलाके तापमान में 2 दिनों के बाद हल्की गिरावट देखेंगे। और उसी तरह से किशनगंज, अररिया, सुपौल और ये जो ये पटना है, गया है, सिवान है,
ये जो इलाके हैं मुजफ्फरपुर वगैरह इन सारे इलाकों में भी हल्का हल्का तापमान गिरेगा, 1-2 डिग्री की गिरावट कल तक होगी, उसके बाद थोड़ा और ज़्यादा गिरेगा, क्योंकि हवाएं जब चलना शुरू होती हैं तो पहले उत्तर भारत और मध्य भारत में गिरता है तापमान, उसके बाद पूर्वी भारत की तरफ गिरता है, हवाओं को यहाँ पहुँचने में समय लगता है। तो ये सारे इलाके भी शुष्क रहेंगे। मध्य प्रदेश के जो पश्चिमी जिले हैं जहाँ पर तापमान बढ़े थे और उस इलाके में अब तापमान गिरने लग जाएंगे, और जो पूर्वी जिले हैं सीधी सतना सिंगरौली पन्ना ये जो इलाके हैं यहाँ पर भी 2 दिनों के बाद तापमान गिर जाएंगे, जो जबलपुर कटनी मांडला नरसिंहपुर होशंगाबाद ये सारे इलाके में टेम्परेचर गिरेंगे, और उसी तरह से गुजरात के ज़्यादातर इलाके भी तापमान में गिरावट दर्ज करेंगे, मुंबई वगैरह में भी तापमान गिरेगी, लेकिन क्योंकि कोस्टल एरिया है बहुत ज़्यादा टेम्परेचर यहाँ पर नहीं गिरने वाले। तो कुल मिलाकर यह है कि जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है वो अगले 24 घंटों तक स्नोफॉल देगा, उसके बाद हट जाएगा, और उसके बाद कम से कम एक सप्ताह तक कोई बड़ा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस नहीं है, 2-3 दिनों तक जो हवाएं चलेंगी उससे तापमान गिरने वाले हैं ये पूरे इलाके के। अब अगर हम बाकी इलाकों की बात करें, विदर्भ मराठवाड़ा तेलंगाना, तो यहाँ पर अभी फिलहाल गर्मी बढ़ी हुई है, काफ़ी ज़्यादा है, टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन 2-3 दिनों के बाद यहाँ पर भी हल्की राहत दिखाई देगी, और तेलंगाना हो गया और आपका ये आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, ये सारे जो दक्षिणी भारत के राज्य हैं पूरी तरह शुष्क रहेंगे, लक्षद्वीप और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह भी शुष्क रहने वाले हैं। जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, मौसम से जुड़ी जानकारी और लाइव मौसम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर हर अपडेट पर रखें नजर।